हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 किलो लौकी ले ली है। अब इसको हम छील लेंगे। अब इसको लौकी को मैंने छील लिया है, इसको हम छोटे छोटे काट लिए हैं। अब इसको हम करेंगे कद्दूकस। ये देखिए ऐसे कर लेंगे हम कद्दूकस। ये हो गया है कद्दूकस। अब चलते हैं गैस की तरफ। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, और इसको बादाम डाल देंगे घी में। इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम कद्दूकस करा हुआ लौकी डाल देंगे। अब इसको हम भूनेंगे। नरम होने तक भूनेंगे इसको। ये देखिए नरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध। अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे आपको मीठा पसंद हो। देखिए चीनी पानी छोड़ने लग गई है। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश मलाई। ये फ्रेश मलाई है, आप 1-2 दिन की भी मलाई डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम ग्रीन फ्रूट कलर डालेंगे, अगर हो तो डाल सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं है, इससे थोड़ा कलर आ जाता है, अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची। इलायची आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है, इसमें बादाम से गार्निश कर दिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।